नमस्कार नमस्कार। झांसी में बुंदेलखंड का एक नया न्यूज चैनल शुरू होने जा रहा है, बीके न्यूज। बीके न्यूज के सभी कार्यकर्ताओं को मेरी तरफ से यानी भाभी जी घर पर रह के तिवारी जी की तरफ से अनेकों अनेकों शुभकामनाएं। नमस्कार। बुंदेलखंड के फिल्मी कलाकारों के लिए एक अच्छी खबर है। जी हां, अब बुंदेलखंड के कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मुंबई का रुख नहीं करना पड़ेगा। वो अब अपने क्षेत्र में रहकर भी अपने हुनर को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जी हां, आपने सही सुना, बुंदेलखंड में भी अब फिल्म निर्माण का काम होने लगा है, जो बुंदेलखंड के कलाकारों के लिए एक सुनहरा मौका है। आज सरकार फिल्म्स के बैनर तले बन रही बुंदेलखंडी फिल्म भाईजान के लिए झांसी के एक होटल में ऑडिशन हुआ, जहां बुंदेलखंड के कई कलाकार पहुंचे। अब बुंदेलखंड के कलाकार मुंबई न जाकर स्थानीय क्षेत्रों में ही फिल्म निर्माण कर यहां की भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में सरकार फिल्म्स प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही फिल्म भाईजान का आज झांसी के एक स्थानीय होटल में ऑडिशन हुआ, जिसके माध्यम से यहां के कई कलाकारों को फिल्म में काम करने का मौका मिला है। पत्रकार वार्ता में फिल्म के निर्माता निर्देशक निजाम खान ने बताया कि ये एक पारिवारिक फिल्म है जो अच्छाई और बुराई पर आधारित है। इसमें एक्शन के साथ साथ दर्शकों को रोमांस भी देखने को मिलेगा। सर, फिल्म का कंसेप्ट हमारा अच्छाई और बुराई को लेकर है और फिल्म की तैयारियां मैं अकेला नहीं, ये मेरी पूरी टीम सब लोग साथ में मिलकर कर रहे हैं और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द फिल्म अच्छी बने और लोगों के सामने आए। इस फिल्म की पूरी शूटिंग बुंदेलखंड के कई जिलों जैसे झांसी, हमीरपुर, जालौन और कानपुर में की जाएगी। इस दौरान फिल्म के निर्माता निर्देशक के अलावा बुंदेलखंड फिल्म एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय पचौरी, सचिव संजय राष्ट्रवादी, सह सचिव देवदत्त बुधौलिया, कोषाध्यक्ष अजय साहू, उपाध्यक्ष समीर खान आदि उपस्थित रहे। बीके न्यूज के लिए झांसी से मनीष अली की रिपोर्ट।